भाग 6, हिंसा, क्रोध, समर्थन और निंदा, आदर्श और यथार्थ। भय, सुख, दुख, विचार और हिंसा, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। हम में से अधिकांश लोगों को हिंसा से सुख मिलता है। किसी को नापसंद करने में, एक विशेष जाति या वर्ग के लोगों से घृणा करने में, दूसरों के प्रति विरोधी विचार और भावनाएं रखने में भी लोगों को एक तरह के से सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन मन से जब सारी हिंसा विदा हो जाती है तो वह एक अपूर्व आनंद से भर जाता है। संघर्ष, घृणा और भय पर आधारित हिंसा से प्राप्त होने वाले सुख की तुलना इस आनंद से नहीं की जा सकती। क्या हम हिंसा की जड़ तक पहुँच सकते हैं और इससे मुक्त हो सकते हैं? अन्यथा एक दूसरे के साथ हम सदा तनाव और द्वंद्व में ही जीते रहेंगे। अधिकांश लोग प्रत्यक्षता इसी तरह जी रहे हैं। अगर आप भी ऐसे ही जीना चाहते हैं तब तो मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि अगर आप कहते हैं खैर मुझे अफसोस है क्योंकि हिंसा तो समाप्त होने वाली चीज़ है नहीं, तो आपके और मेरे बीच फिर संवाद का माध्यम ही नहीं बचता, क्योंकि अब आपने अपने सामने एक दीवार खड़ी कर ली है। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, जीने का कुछ अलग ढंग, एक भिन्न शैली भी हो सकती है, तो हम एक दूसरे के साथ संवाद कर पाएंगे। इस तरह अगर हम आपस में संवाद कर पाने में सक्षम और समर्थ हैं तो हम साथ साथ इस बात पर विचार करें कि क्या यह सचमुच संभव है कि विकराल रूप से क्रूर इस संसार में रहते हुए भी हम अपने भीतर हर तरह की हिंसा को जड़ मूल से मिटा डालें। मेरे विचार से यह संभव है। मैं अपने भीतर चिंता, घृणा, ईर्ष्या और भय की एक सांस तक लेना नहीं चाहता। मैं निपट शांति और अमन चैन से जीना चाहता हूँ, जिसका मतलब यह नहीं कि मैं मर जाना चाहता हूँ। मैं इस धरती पर जीना चाहता हूँ जो इतनी सुंदर, इतनी समृद्ध और इतनी भरपूर है। मैं पेड़ों, फूलों, नदियों, हरे भरे मैदानों, भांति भांति के लोगों, औरतों, युवक युवतियों, हंसते खेलते बच्चों को देखना चाहता हूँ। अर्थात मैं जीवन के उसके हर रूप में दर्शन करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूँ कि मैं अपने साथ और इस जगत के पूरी शांति से जीऊँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? हिंसा चाहे जहाँ भी हो, बीज रूप में मौजूद हमारे भीतर हो या फिर बाहर की ओर फैले सामाजिक वर्ग संघर्ष, दंगे फसाद, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वता और युद्ध हो, अगर हम हिंसा को सही सही देखना सीख जाएं तो शायद हम इसके पार जा सकेंगे। हिंसा एक अत्यंत जटिल समस्या है। सदियों सदियों से मनुष्य हिंसक रहा है। संसार भर में फैले अनेक धर्मों ने मनुष्य को मर्यादा में बांधने की, उसे संयत करने की कोशिश की है, लेकिन इस प्रयास में उनमें से कोई भी सफल ना हुआ। अतः अगर हमें इस समस्या की गहराई में छानबीन करनी है तो हमें इस संबंध में अति गंभीर होना चाहिए, तभी हम हिंसा के ऊपर उठकर चेतना की एक नई ऊंचाई को छू पाएंगे। लेकिन अगर हम केवल बौद्धिक विलास और मनोरंजन के लिए इस समस्या से खेलना चाहते हैं तो हम कोई अधिक दूर तक नहीं जा पाएंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि आप स्वयं इस समस्या के प्रति तो अत्यंत गंभीर और चिंतनशील हैं, पर जब दुनिया में बाकी सारे लोग आपकी तरह गंभीर नहीं होते, तो इस संबंध में कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते, तब आपके अकेले कुछ भी करने से क्या होने वाला है? लेकिन वे इसे गंभीरता से लेते हैं या नहीं, इसकी परवाह मैं क्यों करूं? मैं इसे गंभीरता से लेता हूं, इतना ही काफ़ी नहीं है क्या? मैंने अपने भाई बंधुओं का जिम्मा तो नहीं ले रखा है अपने ऊपर? एक मानव के नाते मैं स्वयं हिंसा की कुरूपता और खतरे को अत्यंत गहराई से अनुभव करता हूं, और इसलिए हमेशा इतना ख्याल रखूंगा कि कम से कम मैं स्वयं अपने भीतर हिंसक ना रहूं। लेकिन मैं आपको या किसी और को कैसे कह सकता हूं कि हिंसक मत बनो? इसका कुछ भी मतलब और मूल्य नहीं है जब तक आप स्वयं ऐसा नहीं चाहते हैं। अगर आप सचमुच हिंसा की इस समस्या को समझना और सुलझाना चाहते हैं तो हम साथ साथ इसकी छानबीन और जाँच पड़ताल की यात्रा प्रारंभ करें। हिंसा की समस्या बाहर कहीं और खड़ी है या वह यहीं मौजूद है? क्या बाहरी जगत में जो हिंसा की समस्या आप उसको हल करना चाहते हैं, या स्वयं आपके भीतर जो हिंसा मौजूद है खुद उसकी तह में आप जाना चाहते हैं? अगर आप स्वयं अपने भीतर हिंसा से मुक्त हो गए हैं तो आप पूछेंगे, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, लोभ, छीना छपटी और हड़पने हथियाने की होड़ से भरे इस संसार में मैं कैसे जीऊँ? यह मुझे निगल तो नहीं जाएगा, नष्ट भ्रष्ट तो नहीं कर देगा? यह एक अवश्य संभावी प्रश्न है जो प्राय पूछा जाता रहा है। जब आप ऐसा प्रश्न करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने स्वयं अपने जीवन में अभी पूरी शांति स्थापित नहीं कर ली है। अगर आपके जीवन में पूर्ण शांति विराजती है तो यकीन मानिए, आपके लिए फिर कोई समस्या रह नहीं जा सकती, भले ही आपको बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया जाए, क्योंकि आप फौज और सेना में भर्ती होने से इनकार करते हैं, भले ही आपको गोली से उड़ा दिया जाए, क्योंकि लड़ाई में भाग लेना आपको मंजूर नहीं, लेकिन यह आपके लिए कोई समस्या नहीं बनती। आपको गोली मार दी जाए, ठीक, बस इतनी सी बात। इसे ठीक ठीक समझ लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समझ मात्र व्यक्ति के जीवन में एक असाधारण क्रांति है। हर हिंसा को एक धारणा के रूप में नहीं बल्कि एक हकीकत के रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। ऐसी हकीकत जिसका अस्तित्व मनुष्य के भीतर है, और मनुष्य तो स्वयं मैं हूँ। इस समस्या की गहराई में छानबीन करने के लिए मुझे पूरी संवेदनशीलता और खुलेपन के साथ इसके आमने सामने होना होगा। कहने का मतलब, मुझे स्वयं अपने सामने पूरी तरह खुलकर आना होगा। यह ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने अपने को खोल कर रखूं, क्योंकि इससे कुछ हल नहीं होगा। साथ ही साथ मुझे मन की एक ऐसी स्थिति में होना चाहिए जो अंत अंत तक
इस समस्या का पीछा करते हुए इसको देखने समझने के लिए तत्पर है, जो बीच में ही थक कर हार कर बैठ कर नहीं जाए, मुझसे अब और आगे नहीं चला जाता ये ना कहे। तो यह बात अब मुझे बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मैं एक हिंसक आदमी हूँ। इस हिंसा की अनुभूति मैंने कई रूपों में की है, क्रोध में, कामवासना की आतुरता में, घृणा, द्वेष और आपसी दुश्मनी में। मैंने हिंसा को देखा है, उसे जाना है, इसलिए अब मैं स्वयं से यह कह रहा हूँ कि मैं इस पूरी समस्या को सही सही समझना चाहता हूँ, केवल इसके एक खंड को नहीं जो युद्ध इत्यादि के रूप में छिटपुट ढंग से प्रकट होता रहता है, बल्कि आदमी के अंदर छिपी उस आक्रामकता को जो जानवरों में पाई जाती है और जिसका मैं एक हिस्सा हूँ। हिंसा केवल दूसरे की हत्या करना ही नहीं, जब हम तीखे और पैने शब्दों का प्रयोग करते हैं तब हम किसी आदमी की उपेक्षा करने के लिए हम खास भंगिमा और मुद्रा अपनाते हैं। जब भय के अधीन किसी का हुक्म बजाते हैं या किसी उसकी तरफदारी करते हैं तो यह सब भी हिंसा है। देश, समाज और ईश्वर के नाम पर जो संगठित हत्या और मारकाट चलती है केवल वही हिंसा नहीं, हिंसा का अत्यधिक सूक्ष्म और कहीं गहरा अस्तित्व है। हिंसा की उसी गहराई में बैठकर हम उसकी छानबीन और जांच पड़ताल कर रहे हैं। जब आप अपने को भारतीय या यूरोपीय या मुसलमान या ईसाई या ऐसी ही किसी कुछ कहते हैं और मानते हैं तो आप हिंसक हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? वह इसलिए तब आप शेष मानव जाति से अपने को अलग कर रहे हैं। जब आप धर्म, परंपरा, राष्ट्रीयता के आधार पर अपने को अलग करते हैं तो इससे हिंसा जन्म लेती है। वह आदमी जो हिंसा को समझने की दशा में प्रयत्नशील है, वह ना तो किसी धर्म का है, ना किसी देश या राजनीतिक पार्टी का, अर्थात किसी भी पक्षपाती पद्धति और प्रक्रिया से वह जुड़ा नहीं होता, क्योंकि वह अपना संबंध समूची मानव जाति से रखता है, क्योंकि वह मानव मात्र के स्वभाव को समझने में जुटा है। अब हिंसा की व्याख्या करने वाली प्रमुख रूप से दो विचारधाराएं हैं। एक का कहना है कि हिंसा मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है। दूसरी विचारधारा कहती है कि हिंसा उस सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा और विरासत का नतीजा है जिसके साथ मनुष्य पलता, बढ़ता और जीता है। इनमें से किस विचारधारा का विश्लेषण हमारे बारे में अधिक सही है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। ना तो यह महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण तो यह हकीकत है कि हम हिंसक हैं, ना कि इसका कारण अथवा इसके जन्म इतिहास का लेखा जोखा। क्रोध हिंसा की सामान्य अभिव्यक्तियों में से एक है। जब मेरी पत्नी या बहन के साथ कोई छेड़खानी करता है तो मैं कहता हूँ कि मेरा क्रोध बिल्कुल जायज और उचित है। जब मेरे देश पर, मेरे विचारों और सिद्धांतों पर कोई आक्रमण करता है, तब मेरे जीने के रंग ढंग पर कोई उंगली उठाता है, तब भी मैं अपने क्रोध को जायज और उचित ठहराता हूँ। जब मेरे शुद्र और छोटे मोटे मतों, विचारों और धारणाओं पर कोई प्रश्न खड़ा करता है या मेरी आदतों पर कोई आपत्ति प्रकट करता है, तब भी मैं क्रोध में आ जाता हूँ। जब आप मुझे चोट पहुँचाते हो या अपमानित करते हैं तो मेरे क्रोध की सीमा नहीं रहती, अथवा अगर आप मेरी पत्नी को भगा ले जाते हैं, मैं ईर्ष्या से जल उठता हूँ, तो उस ईर्ष्या को बिल्कुल जायज माना जाता है, क्योंकि मेरी पत्नी मेरी जायदाद है। इस सब क्रोध को नैतिक रूप से न्याय संगत माना जाता है, और तो और अपने देश के लिए लोगों की जान लेने को भी न्याय संगत ठहराया जाता है। तो क्रोध जो हिंसा का ही एक हिस्सा है, जब उसकी हम छानबीन करते हैं तो क्या हम अपने झुकावों और परिवेश की प्रेरणाओं से प्रभावित होकर क्रोध को जायज और नाजायज के रूप में देखते हैं, या क्रोध को शुद्ध उसी रूप में देखते समझते हैं? क्या कभी क्रोध जायज और उचित भी होता है, या केवल क्रोध होता है? क्रोध यानी क्रोध, प्रभाव कोई भी ना अच्छा ना बुरा, केवल प्रभाव है। लेकिन जब आप किसी भी ऐसी चीज़ से प्रभावित होते हैं जो मेरे अनुकूल नहीं बैठती, तो उसे मैं झट से बुरा प्रभाव कह देता हूँ। जिस क्षण आप किसी चीज़ की रक्षा करने पर उतर आते हैं, चाहे वह जो कुछ हो, आपका परिवार, आपका देश, उस रंगीन चिथड़े और लत्ते का टुकड़ा जिसे झंडा कहा जाता है, आपका मत, धर्म, संप्रदाय, आपकी कोई प्रिय वस्तु या वह जिसे आप पाना चाहते हैं, तो उसकी रक्षा के लिए आपका उठ खड़ा होना ही क्रोध का परिचायक है। तो क्या आप क्रोध को देख सकते हैं बिना इसके लिए सफाई और दलील देते हुए, बिना पक्ष लेते हुए, बिना यह कहते हुए कि मुझे अपनी अच्छाइयों की रक्षा तो करनी ही है, या मेरा क्रोध करना तो बिल्कुल जायज़ था, या अरे मैं भी कैसा बेवकूफ़ हूँ कि क्रोध में आ गया? क्या हम क्रोध को इस तरह देख सकते हैं मानो अपने पैरों पर अपने बलबूते खड़ा उसका अपना अलग स्वतंत्र और ठोस अस्तित्व हो? क्या आप बिल्कुल वस्तुगत और तटस्थ होकर क्रोध का निरीक्षण कर सकते हैं, जिसका अर्थ हुआ ना उसका बचाव और समर्थन, ना उसकी निंदा और आलोचना? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अगर मैं आपका कट्टर विरोधी हूँ, या मैं मान बैठा हूँ कि आप एक अद्भुत आदमी हैं, तो क्या इन स्थितियों में आपको सही सही देख पाऊँगा? अगर आपकी ओर से देखते हुए मैं समुचित ध्यान और सावधानी से भरा हूँ, ताकि इस देखने में उपर्युक्त दोनों स्थितियों में किसी का हस्तक्षेप ना हो, तभी मैं आपको सही अर्थों में देख पाऊँगा। क्या इसी प्रकार हम क्रोध को भी देख सकते हैं, जिसका अर्थ हुआ कि मैं खुले हृदय और मन से इस समस्या के सामने खड़ा हो गया हूँ, मैं अब इसका प्रतिरोध नहीं करता, अपनी ओर से बिना किसी प्रतिक्रिया और के मैं इस असाधारण और अद्भुत घटना का निरीक्षण कर रहा हूँ,
निष्पक्ष निरपेक्ष और भाव शून्य होकर क्रोध को देख पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि क्रोध मेरा ही एक हिस्सा है। लेकिन मेरी सारी कोशिश ही इस बात की है कि मैं क्रोध को शांतचित्त होकर देख पाऊँ। चाहे मैं जैसा भी आदमी हूँ, काला, गोरा, भूरा या गेहुआ, मैं इतना जानता हूँ कि मैं एक हिंसक आदमी हूँ। मुझे इससे मतलब नहीं कि यह हिंसा मैंने विरासत स्वरूप पाई है या समाज ने इसे मेरे भीतर पैदा किया है। मेरा सारा ध्यान केवल इस बात पर है कि हिंसा से मुक्त हुआ जा सकता है। हिंसा से मुक्त होना ही मेरे लिए सब कुछ है। यह मेरे लिए कामवासना, भोजन, पद प्रतिष्ठा से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंसा मुझे भ्रष्ट किए दे रही है। यह मेरा सत्यानाश कर रही है और सारे संसार का भी। इसलिए मैं इसे समझना चाहता हूँ, मैं इसके पार जाना चाहता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि क्रोध और हिंसा की लपटें मुझ में झुलसते हुए इस संसार के लिए मैं भी उत्तरदायी हूँ। मैं केवल शब्दों का जोड़ तोड़ नहीं बैठा रहा हूँ, बल्कि मैं स्वयं को सचमुच जिम्मेदार महसूस करता हूँ। मैं स्वयं से कह रहा हूँ, कुछ भी सार्थक और सृजनात्मक मैं तभी कर सकता हूँ अगर मैं स्वयं क्रोध, हिंसा, राष्ट्रीयता आदि से बाहर आ गया हूँ। यह भाव मात्र ही कि मुझे अपने भीतर हिंसा को समझना ही चाहिए प्रचंड लगन और जीवंतता पैदा करता है। लेकिन तथ्य यह है कि हिंसा से बाहर होने के लिए इसको दबा नहीं सकता, इसको नकार नहीं सकता। यह नहीं कह सकता कि खैर, यह तो मेरा एक हिस्सा है और है तो है, या मैं इसे बिल्कुल नहीं चाहता। वस्तुतः हिंसा से बाहर होने के लिए मुझे इसका निरीक्षण करना पड़ेगा, इसका अध्ययन करना पड़ेगा। इसके साथ मुझे बिल्कुल आत्मीय, अतरंग और घनिष्ठ होना पड़ेगा। अतरंग तब तक नहीं हुआ जा सकता जब तक मैं हिंसा की निंदा और उसका समर्थन कर रहा हूँ। हालांकि इसकी निंदा और समर्थन छोड़ हम कुछ भी करते भी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कभी तो यह निंदा और समर्थन करना बंद कीजिए। अतः अगर आप हिंसा को बंद करना चाहते हैं, युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, तो आप इस दशा में अपना और अपने जीवन का कितना कुछ लगाने को तैयार हैं, कितने प्राण, कितनी ऊर्जा। हिंसक घटनाओं में आपके बच्चे बेमौत मारे जाते हैं, आपका बेटा फौज में जाकर भर्ती हो जाता है जहाँ के कसाई लोग उसे सता सता कर ठोक पीट कर जानवर बना देते हैं, और एक दिन उसे मरने या मारने के लिए कहीं पर भेज दिया जाता है। क्या इसकी आपको कोई फिक्र नहीं? क्या यह आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल नहीं है? हे भगवान, अगर इन बातों की ओर आपका ध्यान नहीं जाता, तो फिर आपका ध्यान जाता किधर है? अपनी तिजोरी की रखवाली करने में, मौज मस्ती करने में, नशाखोरी करने में? क्या आप नहीं देखते कि आपके अंदर की यह हिंसा आपके बच्चों के विनाश का कारण है, या आपको यह सब एक काल्पनिक विचार की तरह लगता है? लेकिन अगर यह सब आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण है, तो ठीक है, आप अपने पूरे हृदय और मन से इसकी, इन सब की खोजबीन और जांच पड़ताल करें। ऐसा नहीं है कि आप आराम से बैठे रहिए और मुझे कहिए, अच्छा आप ही बताइए ना इस संबंध में सब कुछ। मैं यह तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ कि आप क्रोध और हिंसा को उन आँखों से नहीं देख सकते जो केवल निंदा या समर्थन करना चाहते हैं। अगर यह हिंसा आपके लिए एक ज्वलंत समस्या नहीं है, तो यह दोनों चीज़ें आपसे दूर जाने वाली नहीं हैं। इसलिए पहले तो आपको कई चीज़ें सीखनी हैं। यह कला सीखनी है कि क्रोध को कैसे देखें। यह भी सीखना है कि अपने पति को, पत्नी को, अपने बच्चों को कैसे देखें। अर्थात आप ध्यान से, गौर से देखना सीखें। राजनीतिज्ञों और राजनेताओं को देखें, उनके हाव भाव को देखें। फिर स्वयं को देखते हुए, अपना निरीक्षण करते हुए, आप यह पता लगाएं कि आप वस्तु परक और तटस्थ क्यों नहीं हैं। आप निंदा और समर्थन, इन दो अतियों पर ही क्यों दौड़ते रहते हैं? आपको यह सीखना और जानना है कि आप निंदा या समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि यह उस सामाजिक ढांचे का हिस्सा है जिसमें आप जीते हैं, एक भारतीय, अमरीकी, जर्मन, नीग्रो इत्यादि के रूप में। आपके संस्कार और इन संस्कारों के कारण हो गया है आपका मंद और मूढ़ दिमाग। कुछ भी मौलिक सीखना हो, उसकी खोज करनी हो, तो आपके पास गहराई में बैठने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपका औजार मंद और कुंद है, तो आप कुछ गहरे नहीं जा सकते। तो हम जो कह रहे हैं, वह है औजार को तेज करना, उसको धार देना। और औजार है हमारा मन और दिमाग, जो निंदा और समर्थन के दो पाटों में पिस कर मंद, कुंद और धारहीन हो गया है। अगर आपका मन सुई की तरह तेज और हीरे की तरह मजबूत है, तभी आप गहराई में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इससे कोई फ़ायदा नहीं कि आप मजे ठाट में बैठकर पूछिए, मैं ऐसा मन कैसे पा सकता हूँ। आपको इसे चाहना पड़ेगा, जैसे आप अपने अगले समय का भोजन चाहते हैं। और इसे पाने के लिए आपको साफ साफ देखना पड़ेगा कि जिस कारणवश आपका मन मंद, मूढ़ और जड़ हो गया है, वह है समस्त से स्वयं को काटकर अपने भीतर बंद हो जाना और सिमट जाना। इस तरह अपने ही हाथों खड़ी की गई सुरक्षा की दीवारों के भीतर मन कैद हो जाता है, जो निंदा और समर्थन से के दुष्चक्र का हिस्सा है। अगर मन एक छलांग के साथ इसके बाहर आ जाए, तब आप देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, गहरे से गहरे जा सकते हैं, और शायद उस स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां
सारी समस्या समग्र रूप से पकड़ में आ सकती है। तो अब हम मुख्य प्रश्न पर लौट आएं, क्या अपने भीतर से हिंसा को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना संभव है? दरअसल यह भी हिंसा का एक रूप होगा। अगर मैं कहूँ आप में तो अब मैं एक अब तक परिवर्तन आया ही नहीं, आखिर ऐसा क्यों? खैर मैं यह पूछने भी नहीं जा रहा। मैं नहीं चाहता कि आपसे अपनी कोई बात मनवा लूँ, इसका मेरे लिए रत्ती भर भी मूल्य नहीं है। इसका आपका आपका जीवन है, मेरा नहीं। जिस ढंग से आप जीते हैं वह आपका मामला है। मैं तो इतना पूछ रहा हूँ मनोवैज्ञानिक तल पर, किसी भी समाज में जीते हुए एक व्यक्ति के लिए क्या आंतरिक रूप से स्वयं को हिंसा से खाली करना संभव है? अगर हाँ तो क्या तो यह प्रक्रिया मात्र संसार में जीने की एक नई रीति और नई शैली को जन्म देगी? हम में से अधिकांश लोगों ने हिंसा को जीवन के अंग और जीने के ढंग के रूप में अपना लिया है। पिछले दो भयानक विश्वयुद्धों ने हमें मनुष्य और मनुष्य के बीच गहरी से गहरी खाई खोदने के सिवा और कुछ क्या सिखाया है? यही ना कि हम और आप एक दूसरे से दूर होते चले जाएं। लेकिन फिर भी हम में से वे लोग जो हिंसा से बाहर निकलना चाहते हैं, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, उनके लिए क्या उपाय है? मुझे नहीं लगता कि विश्लेषण के द्वारा कहीं पहुँच पाएंगे, चाहे यह विश्लेषण हम स्वयं करें या कोई पेशेवर मनोविश्लेषक हमारा विश्लेषण करे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत मामूली परिवर्तन आ जाए, हम थोड़े शांत और संयत हो जाएं, व्यवहार में थोड़ा स्नेह और स्पष्टता शिष्टता ले आएं। लेकिन यह अपने आप में समग्र दृष्टि और बोध तो नहीं दे सकता। आत्मविश्लेषण की कला हमें अवश्य जाननी चाहिए, क्योंकि आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया में हमारा मन असाधारण रूप से तीक्ष्ण हो जाता है, और यह तीक्ष्णता सजगता और गंभीरता की ही गुणवत्ता है जो समग्र दृष्टि बोध देती है। दुर्भाग्यवश व्यक्ति के पास वह आँख नहीं है कि वह एक झलक में सारी चीज को देख ले। ऐसी स्पष्ट और व्यापक दृष्टि तो तभी मिलती है जब व्यक्ति अपने आंतरिक जगत की सारी बातों को विस्तार पूर्वक देख ले और तत्क्षण एक छलांग के बाहर के साथ बाहर कूद पड़े, तभी एक आँख उपलब्ध हो सकती है। हम में से कुछ लोगों ने हिंसा से अपने को मुक्त करने के लिए एक सिद्धांत एक आदर्श का प्रयोग किया है, जिसे अहिंसा के नाम से पुकारा जाता है। हम सोचते हैं कि हिंसा के विपरीत एक आदर्श अहिंसा को अपनाकर हम इस तथ्य हकीकत से छुटकारा पा लेंगे, लेकिन यह कदापि संभव नहीं है। आदर्शों का तो कभी अभाव रहा ही नहीं है। सारी धार्मिक पुस्तकें उनसे भरी पड़ी हैं, लेकिन हकीकत यही है कि हम आज भी हिंसक हैं। तो क्यों ना हम हिंसा को अर्थात तथ्य को ही समझने बूझने की कोशिश करें, शब्दों को खींचतान कर नए नए आदर्श करना बंद करें, और अगर तथ्य को सच्चाई को समझना हो तो आपको उस ओर अपना पूरा ध्यान अपनी संपूर्ण ऊर्जा देनी होगी। किंतु उस ध्यान और ऊर्जा में तब विक्षेप और बाधा आ जाती है जब कोई व्यक्ति आदर्श और कल्पना के जगत की सृष्टि कर लेता है। तो क्या आप आदर्श को पूरी तरह निष्कासित कर सकते हैं? वह व्यक्ति जो सचमुच गंभीर है, सच्चा है, जिसे ललक और लगन है सत्य को खोजने की, प्रेम को जानने की, वह कोई सिद्धांत और धारणा नहीं रखता। वह निपट जो है उसी में जीता है। आप अपने क्रोध की वास्तविकता की छानबीन और जांच पड़ताल तभी कर सकते हैं जब आप इस पर कोई निर्णय या फैसला ना दें। जब आप क्रोध के विपरीत किसी विकल्प की कल्पना करते हैं तो इसका अर्थ ही है कि क्रोध के प्रति आप निंदा से भरे हैं। निंदा की आँख से आप क्रोध को ठीक वैसा ही नहीं देख पाएंगे जैसा यह है। जब आप कहते हैं कि आप अमुक व्यक्ति को नापसंद या नफरत करते हैं तो यह आपकी एक असलियत है। हालांकि सुनने में यह अप्रिय और भयानक लग सकता है, लेकिन अगर आप इस असलियत को यानी अपनी नफरत और नापसंदगी को साफ साफ देखते हैं, पूरी गहराई में जाकर इसकी छानबीन करते हैं, तो यह तिरोहित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे नफरत और घृणा कभी नहीं करनी चाहिए, मेरे हृदय में सदा प्रेम होना चाहिए, तो आप दोहरे मानदंडों के साथ एक पाखंड और आडंबर को के जगत में जी रहे हैं। क्षण में संपूर्ण रूप से समग्र रूप से जीने का अर्थ है उसके साथ जीना जो है, जो वास्तविकता और यथार्थ तत्काल मौजूद है, उसके साथ जीना बिना किसी निंदा या समर्थन के भाव के। तब उस यथार्थ और वास्तविकता को आप इतनी समग्रता से समझ लेते हैं कि उससे आप रिक्त और मुक्त हो जाते हैं। जब आप बिल्कुल साफ और स्पष्ट देखते हैं तो यह देखना ही समस्या का समाधान बन जाता है। तो क्या आप हिंसा के चेहरे को साफ और स्पष्ट देख सकते हैं? हिंसा का चेहरा जो न केवल आपके बाहर बल्कि भीतर भी है, जिसका अर्थ होगा हिंसा के से पूर्णता मुक्त हो जाना, और तब आप हिंसा से मुक्त होने के लिए सभी आदर्शों और विचारधाराओं की व्यर्थता को भी साफ साफ देख सकते हैं। वस्तुतः इसके लिए अत्यंत गहरा ध्यान आवश्यक है, ना कि आपकी शाब्दिक सहमति या असहमति। अब आप वक्तव्यों की एक श्रृंखला को पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या आपने वस्तुतः उन्हें समझ भी लिया है? आपका संस्कारबद्ध मन, आपके जीवन जीने का ढंग, जिस समाज में आप रहते हैं उसकी पूरी संरचना, यह सब आपको यथार्थ को देखने और इसे तत्काल पूरी तरह मुक्त हो जाने से रोकती है? आप कहेंगे मैं इस संबंध में सोचूंगा।
मैं सब इस पर विचार करूंगा कि हिंसा से मुक्त होने होना संभव है या नहीं। मैं इससे मुक्त होने की कोशिश करूंगा। इससे और भयानक वक्तव्य क्या हो सकता है कि मैं कोशिश करूंगा। यहाँ कोशिश करने का, आपके भरसक प्रयत्न करने का क्या सवाल है? या तो आप इसे करते हैं या आप इसे नहीं करते हैं। इधर घर जल रहा है और उधर आप समय का हिसाब बैठा रहे हैं। घर जल रहा है संसार भर की हिंसा के कारण, आपके भीतर की हिंसा के कारण, और आप कह रहे हैं ज़रा मुझे सोच तो लेने दीजिए इस संबंध में। आँख बुझाने के लिए सबसे अच्छी विचारधारा और पद्धति कौन सी है? जब सारे घर आग में जल रहा होता है उस समय क्या आप इस बहस और विवाद में पड़ते हैं कि जो व्यक्ति पानी ला रहा है उसके चेहरे और बाल का रंग कौन सा है? धन्यवाद।